हेलो फ्रेंड्स, यदि आप स्विमिंग सीख रहे हैं या इसके लिए विचार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि स्टार्टिंग में स्विमिंग सीखने की कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और साथ ही मैं आपको स्विमिंग संबंधित टिप्स का पूरा वीडियो आपको आगे अपलोड करता रहूँगा और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आइए तो देखते हैं कैसे आपने प्रारंभ में स्विमिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुश अप वॉल कैसे करनी है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनका दाहिना हाथ वॉल को ग्रिप कर रखा है और दोनों पांव ऊपर लटके हुए हैं और ये पांव को पीछे की तरफ धकेलेंगे और बॉडी को आगे की तरफ पुश करेंगे और इस प्रकार यहाँ पर पुश अप वॉल कंप्लीट होता है। और ये शुरुआती स्विमर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो स्विमिंग करना इसी बेस पर सीख जाता है। और ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अननोन स्विमर हैं और ये सीख रहे हैं और ये एक हफ्ते में स्विमिंग करना सीख जाएंगे थोड़ा। और नेक्स्ट स्टेप है पैडलिंग। पैडलिंग करने से स्विमिंग करना बहुत आसान हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। इसमें आपको ध्यान क्या देना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने कमर को सीधी रखनी है और घुटने आपके बैंड नहीं होंगे और आपने लगातार ये प्रैक्टिस करनी है। ये जो दोनों टेक्निक मैंने बताई है इसको आपने 5 से 6 दिन लगातार करना है और आप जल्दी स्विमिंग करना सीख जाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और थैंक यू so much।